एक्शन कॉमिक यूनिवर्स की तरफ से इन्फिनिटी गॉनलेट और एवेंजर के किचन के गिव अवे हो रहे हैं। अगर आपको भी ये चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने नाम कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसको ये किचन मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एक्शन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई की डिज्नी प्लस सीरीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये चैनल में हम मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अपडेट आई है हॉकाई के बारे में, ये रिसेंटली कुछ लीक्स से आई है जो काफी स्ट्रांग है। तो ये हॉकाई जो सीरीज होगी इसके अंदर हमें हॉकाई की ओरिजिन नहीं देखने मिलेंगी। जी हाँ, हॉकाई की ओरिजिन नहीं, इसके अंदर हमें कुछ अलग टाइप की स्टोरी, जैसे कि अभी 2015 में जो हॉकाई की ओरिजिन थी ने चेंज कर दी थी, उसी के मुताबिक हॉकाई के दो भाई रहते हैं, मतलब हॉकाई खुद और एक है बार्नी। वो लोग जो है वो एक अपने डैड के साथ रहते हैं, पर उसके डैड जो है वो बहुत ही अब्यूजिव रहते हैं, जिससे परेशान होके वो तंग हो जाते हैं। तो उनके डैडी की डेथ के बाद वो दूसरा फॉस्टर फादर उन्हें मिल जाता है, वो भी सेम उन्हें परेशान करता है। तो पर वो जहाँ पे रहते हैं वो जगह एक अच्छी जगह हो जाती है, कार्सन कार्निवल जिसका नाम रहता है। उसी के अंदर उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम रहता है ड्यूक केसने, जो उन्हें मदद करता है अपने फादर से लड़ने के लिए। और वो ड्यूक केसने जो है वो हॉकाई को सॉर्ड सिखाता है, बो एरो सब सिखाता है, और उसका भाई जो बारने रहता है उसे वो कोई कुछ नहीं सिखाता है। तो जो हॉकाई है वो निशानेबाजी में और शॉट चलाने में माहिर हो जाता है, और जो बानी है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाता है। और कुछ ही दिनों बाद जो हॉकाई है वो अलग हो जाता है और बानी भी अलग रास्ते में चले जाता है। और अगर दूसरी स्टोरी देखी जाए तो ये इस सीरीज में हमें केट बिशप नाम का भी कैरेक्टर देखने मिलेगा। ये जो जो ये केट बिशप जो कैरेक्टर के अगर ओरिजिन के बारे में बात करें, तो केट बिशप जो है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में कर रहती है। तो वो जब एक जगह स्पाई करने जाती है तो उसे पकड़ लिया जाता है, तो उसे एवेंजर्स छुड़ाते हैं, और साथ ही साथ एवेंजर में हॉकाई भी रहता है। तो वो हॉकाई को समझ नहीं पाती कि एक बंदा एक शॉर्ट से और एक तीर से कितना माहिर तरीके से लड़ सकता है। तो वो जो है उसके मतलब एक अपने फादर की तरह उससे देखती है और उससे शॉर्ट चलाना और तीर चलाना सीखती है, और वो दोनों मिलके आगे के बहुत सारे एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। तो यही है कि हमें यही सब देखने मिलेगा, क्योंकि अगर अगर आपने एंड गेम देखी होगी तो हमें जो लड़की दिखाई गई थी तो वो तो है या नहीं है वो तो कंफर्म नहीं है, पर केट बिशॉप का जो कैरेक्टर है वो तो रह गई, और केट बिशॉप के कैरेक्टर को ही हॉकाई ट्रेन करने वाला है। और अगर कुछ अपडेट के बारे में बात करें तो जो क्या फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो सीरीज आने वाली है उसका जो है वो नेम शायद से चेंज हो सकता है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें उसका नाम अलग होने वाला है, जिसकी वजह से उसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। और अगर कुछ देखा जाए तो अभी उसकी शूटिंग जो रिज्यूम हो चुकी है और काफी थोड़ी सी शूटिंग बची हुई है। तो होप्स आपको अपडेट पसंद आई हो, और अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो दिए करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।